सिक्योर्ड एंड वेल्थियर टुमारो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, इन दिनों मार्केट में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स पोर्टफोलियो फिर से नेगेटिव में आ चुके हैं, और खास करके वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पिछले 1.5-2 सालों में ही अपना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, उनकी तो हालत कुछ इस तरह की हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ हद तक तो इन्हें ऐसा भी फील हो चुका है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ एक स्कैम है और यहाँ से अब निकल जाना ही समझदारी होगी। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको अपना म्यूचुअल फंड्स बेच देना चाहिए, क्या सिर्फ ये एक रीजन काफी है कि हमें मार्केट में से परमानेंटली बाहर निकल जाना चाहिए, और साथ में बात करेंगे कुछ रीजंस के बारे में जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में से एग्जिट कर लेना ही समझदारी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, याद करिए अपना वो गोल जिसकी वजह से आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। आपका वो गोल जो आज भी आपसे 5, 10 या 15 साल दूर है, क्या एक छोटे से मार्केट करेक्शन की वजह से आप अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बलि चढ़ा देंगे? दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना कि मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर अपने गोल्स को सीधा हासिल कभी नहीं कर सकता। इस मार्केट की मदद से गोल्स हमेशा ऐसे हासिल किए जाते हैं, और जब आप अपने गोल के अचीवमेंट से 15 से 18 महीने की दूरी पर हो, तब आपको अपने इक्विटी एक्सपोजर को धीरे धीरे करके डेप्ट में, यानी कि लिक्विड फंड्स में ट्रांसफर कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने गोल के गेन्स को मार्केट वॉलिटिलिटी से आसानी से बचा सको। इसलिए दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तब आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट का टेम्पररी फॉल आपके पोर्टफोलियो का परमानेंट लॉस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, बाय एंड फॉरगेट टाइप की कोई म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं होती। आपको टाइम टू टाइम अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है तो आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करता, तब आपको अपने फंड को उसके बेंचमार्क और कैटेगरी के फंड्स के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर लेना चाहिए। ऐसे में अगर साल 2008 और 2013 जैसा केस हो, जहां सिर्फ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने ही नहीं बल्कि ओवरऑल मार्केट ने खराब परफॉर्मेंस दिया था, तब आपको अपने म्यूचुअल फंड्स में से एग्जिट करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपका फंड उसके बेंचमार्क और पीयर्स के कंपैरिजन में कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करता है, तब आपको अपने म्यूचुअल फंड को तुरंत ही सेल करके एग्जिट कर लेना चाहिए। इस तरह से दोस्तों, गोल के अलावा म्यूचुअल फंड स्कीम का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लिए किसी भी बेस्ट और कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो माई वे वेल्थ मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। MyWay वेल्थ प्लेटफॉर्म की मदद से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अलावा नेशनल पेंशन स्कीम, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, 24 कैरेट गोल्ड और अलग अलग तरह के टैक्स सेविंग ऑप्शंस में भी अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों, MyWay वेल्थ प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि अगर आप एक नॉन KYC इन्वेस्टर हो, तो इस प्लेटफॉर्म की मदद से सिर्फ 5 मिनट में आप पेपरलेस KYC आसानी से कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और इनकी मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए 100% सिक्योर्ड है, क्योंकि ये एक SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा स्मार्ट रेकमेंडेशन इंजन फीचर की मदद से ये प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स रेकमेंड करता है। रेगुलर प्लान्स में से डायरेक्ट प्लान्स में स्विच करने के लिए आपको इसमें इंस्टा स्विच की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप 1-1.5% तक का रिटर्न ज्यादा कमा सकते हो। और आपके रिस्क को अच्छे से मैनेज करने के लिए इसमें पीरियोडिकली पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप MyWay वेल्थ प्लेटफॉर्म के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके मेरे इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। दोस्तों, हम ये अच्छे से जानते हैं कि हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जिसे ध्यान में रख करके फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, और इसकी वजह से सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। ऐसे में जब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का मर्जर या डीमर्जर होता है, जैसे कि HDFC बैलेंस्ड फंड और HDFC प्रीमियर मल्टी कैप फंड को मर्ज करके बनाया गया HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, या जब किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मर्जर या डीमर्जर
होता है, जैसे कि डीएसपी ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अब हो चुकी है डीएसपी एसेट मैनेजमेंट फर्म। तब ऐसे किसी चेंज की वजह से अगर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पर असर होता है तब आपको अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में से एग्जिट कर लेना चाहिए, जिसे हम चेंज इन फंडामेंटल्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी बोल सकते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करती है, कुछ वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, तो कुछ ब्लेंड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। ऐसे में अगर म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड हाउस या फंड मैनेजर किसी भी रीजन की वजह से इन्वेस्टिंग स्टाइल चेंज करता है तब आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए उस म्यूचुअल फंड स्कीम में से एग्जिट कर लेना चाहिए और अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में भी चेंज होने की वजह से म्यूचुअल फंड स्कीम में से एग्जिट कर लेना ही समझदारी होगी। और आखिरी इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है स्क्यूड पोर्टफोलियो, यानी कि अगर बुल रन के वक्त आपके पोर्टफोलियो में डेप्ट का एक्सपोजर इक्विटी के एक्सपोजर से ज्यादा है तब आपको अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी के एक्सपोजर को बढ़ा करके डेप्ट के एक्सपोजर को घटा लेना चाहिए। इन शॉर्ट दोस्तों मार्केट के बुल या बेयर फेस को ध्यान में रख करके आपको अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेप्ट के प्रोपोर्शन को रीबैलेंस करते रहना चाहिए, जिसकी मदद से आप अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा गेन हासिल कर सको। चलिए अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों मार्केट में करेक्शन या छोटे मोटे फॉल की वजह से म्यूचुअल फंड्स को बेचकर निकल जाना समझदारी नहीं है, क्योंकि ऐसा करना यानी कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वॉलेटिलिटी मार्केट का बेसिक नेचर है जिसे कोई भी इन्वेस्टर कभी भी अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए आदत डाल लो। आप म्यूचुअल फंड्स में वेल्थ क्रिएशन को या अपने किसी भी गोल को स्ट्रेट लाइन में या रिलैक्स्ड मैनर में अचीव कभी नहीं कर सकते। हर एक इन्वेस्टर को मार्केट की रोलर कोस्टर राइड को एंजॉय तो करना ही पड़ेगा, फिर चाहे आपका पोर्टफोलियो कितना ही नेगेटिव क्यों ना चला जाए। इसलिए कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और दोस्तों बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल, क्विट या एग्जिट कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि बिना किसी कारण तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे सारे नए मेहमानों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।